अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान और सादा खाने। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन की आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है सॉस पैन, और ये चूल्हे पर रखने के बाद जो एक लीटर दूध मैंने लिया था वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसे मैं उबाल आने तक पकाऊँगी। इतनी देर में दूध में उबाल आता है तो हम कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे प्याली में। तो प्याली में मैं यहाँ ले लूँगी 3 बड़े खाने के चम्मच ले लूँगी कस्टर्ड पाउडर के, ये देखें 2 चम्मच, और इसमें शामिल कर दूँगी, ये 3 चम्मच हो गए कस्टर्ड पाउडर के। अब इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा दूध, 1/2 कप दूध मैंने इसमें शामिल किया और स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। दूध में भी उबाल आना शुरू हो गया है तो मैं दूध के अंदर कस्टर्ड शामिल कर दूंगी और चम्मच इसमें बराबर चलाती रहूंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बने। तो चम्मच इसमें बराबर चलाती रहूंगी, उस टाइम तक चम्मच इसमें चलाऊंगी जब तक कि ये पकना शुरू हो। और इसमें मैं शामिल करूंगी चीनी। चीनी यहाँ मैंने ली है 1 कप। 1 कप चीनी लेने के बाद मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ और इस टाइम तक मैं इसे पकाऊंगी जब तक कि इसमें उबाल आने लगे। मीडियम फ्लेम इस टाइम मैंने इसकी रखी हुई है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं कस्टर्ड अब पकने लगा है, और इतना पतला हमें कस्टर्ड रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। कस्टर्ड में उबाल आने के बाद मैं इसे पकाऊंगी 5 से 6 मिनट के लिए ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें इतना पतला हमें कस्टर्ड रखना है। इतना पतला रखेंगे तो ये होगा कि कस्टर्ड जब ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे मैं कर लूँगी ठंडा। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैं इसे 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो ये मैं रख दूँगी फ्रिज में, और फ्रिज में इसे निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊँ कि कस्टर्ड की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है और ये गाढ़ा हो चुका है। तो मैं हल्का हल्का इस तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी क्योंकि इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी क्रीम। हम बना रहे हैं आइसक्रीम। ये मेरे पास मिल्क पैक क्रीम का एक पैकेट है, ये पूरे का पूरा पैकेट मैं कस्टर्ड में डाल दूँगी। ये देखें ज़बरदस्त क्रीम, ये फ्रिज में रखी हुई थी तो क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इन दोनों चीज़ों की मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्सिंग। तो यहाँ मैं हैंड बीटर की मदद से इस तरीके से मैं मिक्स करूँगी, और जो भी चीज़ अगर आप ज़्यादातर मिक्स करते हैं तो कोशिश करें उसे एक ही साइड पर मिक्स करें क्योंकि एक ही साइड पर मिक्स करने से इसकी मिक्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो ये देखें कस्टर्ड और क्रीम मैं इतना मिक्स करूँगी कि ये यकजा हो जाए। तो इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर चुकी हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है इसका। तो इस टाइम मेरे पास हैं गुलाब जामुन, ये बड़े साइज़ के 3 अदद गुलाब जामुन हैं मेरे पास। ये देखें इसका मैं हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ कर इस कस्टर्ड और क्रीम के अंदर मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बन रही है गुलाब जामुन की आइसक्रीम। गुलाब जामुन का इस तरीके से मैं चूरा कर कर इसमें डाल दूँगी और इसकी मिक्सिंग करूँगी। 3 बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और ताज़ा गुलाब जामुन है ये, और इसी कलर में हमारे पास कस्टर्ड है। तो इस तरीके से मैं इसकी एक ही साइड पर ये देखें राउंड में मैं इसकी कर लूँगी मिक्सिंग। गुलाब जामुन अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास है ये आलमंड बादाम का फ्लेवर है, ये 3 से 4 कतरे मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। जो कि आइसक्रीम आप बाज़ार से लेते हैं उसमें भी ये फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो
और मैं निकाल दूंगी इसे बाउल में। ये देखें, इसमें जो है छोटे छोटे दाने की सूरत में गुलाब जामुन इसके अंदर है, जो खाने में बहुत ही जायका देते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि ये गुलाब जामुन की आइसक्रीम है। तो यहाँ बाउल में आइसक्रीम रेडी है और इसका ढक्कन ढककर मैं रख दूंगी इसे पूरी रात के लिए। पूरी रात रखने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ आइसक्रीम ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ अगर आप इसे रखते हैं पूरी रात तो ज़बरदस्त आइसक्रीम तैयार होगी। तो मैं इस टाइम आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त आइसक्रीम कैसे तैयार हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर भी बहुत ही अच्छा आया और देखने में आपको पता चल रहा होगा कि बाज़ार से किसी सूरत ये आइसक्रीम कम नहीं है। तो आपने देखा कितने कम खर्च में और कितनी कम चीज़ों में आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार हो चुकी है तैयार। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।